अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम कंपैरिजन करने वाले हैं वीवो Y55 और वीवो V21e के बारे में, और जानने वाले हैं डिटेल के साथ इन दोनों फोन में से वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन आपके लिए कौन सा हो सकता है। हालांकि हैरानगी की बात है, ये वाला फोन एक साल पहले लॉन्च हुआ था और ये वाला फोन अभी लॉन्च हुआ है, मतलब कि ये वाला फोन लॉन्च किया गया है 2022 के अंदर और ये वाला फोन लॉन्च किया गया था 2021 के अंदर। आज के इस वीडियो के अंदर मुकम्मल कंपैरिजन करने वाले हैं इनके कैमरा की क्वालिटी, इनके प्रोसेसर की क्वालिटी, ओवरऑल हर चीज के हवाले से डिस्कस करेंगे और देखेंगे इन दोनों फोन में से वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन आपके लिए कौन सा हो सकता है। इन दोनों फोन के कंपैरिजन में सबसे पहले हम बात करेंगे इन दोनों डिवाइसेस की प्राइसेस के हवाले से। तो ये वाली डिवाइस हमारे पास अवेलेबल है 50,000 की रेंज के अंदर। हालांकि ये वाली डिवाइस मार्केट के अंदर न्यू मिलती ही नहीं है, ऑन एन एवरेज अगर आपको यूज डिवाइस अच्छी कंडीशन में भी लेनी हो तकरीबन आपको 35-40 की रेंज के अंदर इजिली मिल जाती है। लेकिन आज भी ये वाला फोन बहुत ही ज्यादा सेल आउट हो रहा है, उसकी रीजन है इस फोन के कैमरा। आगे चल के हम डिस्कस भी करेंगे इन दोनों फोन के कैमरा के हवाले से, तो मेक श्योर वीडियो को लाजमी कंप्लीट देखिएगा। प्राइस के बाद अब बात करते हैं दोनों फोन की ओवरऑल लुक के हवाले से। बैक के ऊपर हमें ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। ये वाला कलर हमारे पास अवेलेबल है डायमंड फ्लेयर के अंदर और ये वाला कलर हमारे पास अवेलेबल है आइस डाउन के अंदर। अगर हम मेरे ओपिनियन के हवाले से बात करें तो आपको दूर से ही आइडिया हो जाता है कि भाई ये वाला फोन काफी हद तक आपको प्रीमियम लुक देता है। ऑन एन एवरेज ये वाला डिवाइस भी काफी बेटर ऑप्शन आपके लिए हो सकता है, लेकिन अगर आपको एवरेज परफॉर्मेंस चाहिए, अगर आपको थोड़ी सी अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए, तो उस चीज के लिए ये वाला फोन आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। और अगर हम बात करें इन दोनों फोन के डिस्प्ले के हवाले से, तो यहाँ दोनों फोन में हमें एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। 6.44 इंच का एमोलेड डिस्प्ले है, लेकिन अगर आप बात करें इस फोन के हवाले से जहाँ हमें 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है, और अगर आप बात करें वीवो Y55 के हवाले से तो यहाँ भी हमें कहीं ना कहीं डिस्प्ले में कॉम्प्रोमाइज़ करने को देखना पड़ता है। और ऐसा नहीं है कि भाई ये वाला फोन हल्का फोन है, लेकिन ये वाला फोन इस फोन से काफी हद तक बेटर है। इन दोनों फोन्स का सिर्फ एक ही ड्रॉबैक है, वो है इन दोनों फोन्स के नॉच डिस्प्ले। हालांकि यहाँ पे भी हमें पंच होल डिस्प्ले देखने को मिलना चाहिए था और यहाँ पे भी, लेकिन इन दोनों फोन्स के अंदर ही हमें पंच होल डिस्प्ले देखने को नहीं मिलता है, और ये वाली काफी हैरानगी की बात है। इस चीज के हवाले से वीवो को डेफिनेटली सोचना चाहिए कि 2021 में भी नॉच डिस्प्ले और 2022 में भी नॉच डिस्प्ले। डिस्प्ले के बाद अब बात करते हैं इन दोनों फोन के प्रोसेसर के हवाले से। यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 680 प्रोसेसर, बेसिकली जो 4G प्रोसेसर है और 6 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस करता है। और अगर हम बात करें वीवो V21e के हवाले से, तो यहाँ पे हमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 720 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। और अगर आप बात करें इन दोनों प्रोसेसर की ओवरऑल परफॉर्मेंस के हवाले से, तो आप कह सकते हैं कि भाई 19-20 का ही डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। लेकिन अगर आप बात करें अगर गेमिंग के हवाले से, नॉर्मल डे बाई डे यूजेज के हवाले से, तो दोनों फोन आपको ऑन एन एवरेज परफॉर्मेंस दे देते हैं। अगर हम बात करें इन दोनों डिवाइसेस के जीपीयू के हवाले से, तो इस डिवाइस के अंदर हमें एंड्रीनो 618 का जीपीयू देखने को मिल जाता है और इस डिवाइस के अंदर हमें एंड्रीनो 610 का जीपीयू देखने को मिलता है। ऑन एन एवरेज आपको अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है। अगर आप गेमिंग के हवाले से भी इस फोन को कंसीडर करते हैं, नॉर्मल डे बाय डे यूजेज के लिए, लाइक जैसे आप अस्फाल्ट 9 गेम खेल लें, पबजी गेम खेल लें, तो आपको अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है इस डिवाइस के अंदर भी और इस डिवाइस के अंदर भी। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं रैम और रोम के हवाले से, तो यहाँ पे भी हमें 8GB और 128GB का वेरिएंट देखने को मिल जाता है और यहाँ पे भी हमें 8GB और 128GB का वेरिएंट देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे तो ये दोनों बातें सेम हो गई। अगर हम बात करें इन दोनों फोन की बैटरी के हवाले से, तो यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है 4000mAh की बैटरी जो 33W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। और इसके अलावा अगर हम बात करें वीवो Y55 के हवाले से, यहाँ पे 5000mAh की बैटरी है और 44W की फास्ट चार्जिंग के साथ आता है। तो ये वाली बात काफी हद तक बेटर है कि यहाँ से यहाँ तक एक साल के अंदर कुछ तो इंप्रूवमेंट हुई। और अगर आप इन दोनों फोन्स को डे बाय डे यूजेज के लिए लेते हैं, तो आपको अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है। ऑन एन एवरेज आपका फोन मुकम्मल इजीली एक दिन आसानी के साथ निकाल जाता है, 4000mAh की बैटरी के साथ भी और 5000mAh की बैटरी के साथ भी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब बात करेंगे इन दोनों फोन के कैमरा के हवाले से, जिसकी वजह से ये मेन कंपैरिजन इन दोनों फोन्स का बनता है, क्योंकि यहाँ पे भी हमें ऑन एन एवरेज अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है और यहाँ पे भी हमें ऑन एन एवरेज अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है। लेकिन अगर आप बात करें कैमरा के हवाले से, तो इन दोनों फोन में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है। अगर आप बात करें यहाँ पे वीवो Y55 के हवाले से, जहाँ हमें बैक के ऊपर ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, जो मेन कैमरा सेंसर है वो है 50 मेगापिक्सल का, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा सेंसर। और अगर हम बात करें वीवो V21e के हवाले से, तो यहाँ पे भी हमें बैक के ऊपर ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे इंप्रूवमेंट इस चीज के हवाले से ऐसे है, जो मेन कैमरा सेंसर है वो है 64 मेगापिक्सल का, बेसिकली जो वाइड एंगल लेंस है, इसके अलावा 60 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा। तो यहाँ पे और यहाँ पे बहुत ही डिफरेंस है इन दोनों फोन के कैमरा के हवाले से। और अगर हम बात करें दोनों फोन के फ्रंट कैमरा के हवाले से, तो वीवो Y55 के अंदर हमें फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है 16 मेगापिक्सल का। और अगर हम बात करें वीवो V21e के हवाले से,
तो यहाँ पे हमें 44 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा सेंसर देखने को मिल जाता है। हालांकि ये काफ़ी हैरानगी की बात है, 2021 में इतने अच्छे कैमरे और 2022 में, अब बंदा क्या बोले, डेफिनेटली महंगाई हुई है, लेकिन इतनी ज़्यादा भी महंगाई नहीं हुई। हालांकि इससे बेटर यही ऑप्शन हो सकता था, इस फोन के कैमरा निकाल के इस फोन के अंदर लगा दिए जाते तो ये वाला फोन 2022 में खरीदने के काबिल भी बन जाता। इन दोनों फोन के कैमरा के सैंपल मैं आपके सामने शो कर भी रहा हूँ स्क्रीन में, और उसे देख के आपको काफ़ी हद तक आइडिया भी हो जाएगा कि इन दोनों फोन के कैमरा की ओवरऑल क्वालिटी कैसी है। सबसे पहले आपके सामने वीवो Y55 के कैमरा सैंपल स्क्रीन के ऊपर शो हो भी रहे हैं, और उसे देख के आपको काफ़ी हद तक आइडिया भी हो जाएगा कि इस फोन के कैमरा की क्वालिटी ओवरऑल कैसी है। और अगर आप मेरे से पूछें तो मैं आपको बोलूँगा ऑन एन एवरेज बहुत ज़्यादा हाई एंड अच्छी क्वालिटी आपको देखने को नहीं मिलती, कलर एक्यूरेसी भी अच्छी है, डायनामिक रेंज भी काफ़ी अच्छी है, लेकिन आपको ऑन एन एवरेज अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। और अगर आप बात करें वीवो V21e के हवाले से, तो अब आपके सामने स्क्रीन के ऊपर इस फोन के कैमरा की क्वालिटी आपके सामने शो हो भी रही है, और उसे देख के आपको काफ़ी हद तक आइडिया भी हो जाएगा कि इस फोन के कैमरा की क्वालिटी कैसी है। और अगर आप मेरे ओपिनियन के हवाले से बात करें तो डेफिनेटली मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आप कैमरा फोन लेना चाहते हैं वीवो के अंदर रहते हुए, तो ये वाला फोन आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि इसके कैमरा की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, डायनामिक रेंज काफ़ी अच्छी है। और इसके अलावा अगर हम बात करें वीडियो क्वालिटी के हवाले से, तो यहाँ पर हमें 4K का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। हालांकि 2021 में 4K का ऑप्शन इन्होंने दे दिया और 2022 में इन्होंने 4K का ऑप्शन ही नहीं दिया, और बैक और फ्रंट यहाँ पे दोनों के अंदर ही हमें 4K का ऑप्शन देखने को मिलता है, और वीडियो की क्वालिटी भी आपके सामने शो हो रही है, और उसे देख के भी आपको काफ़ी हद तक आइडिया हो जाएगा कि इस कैमरा के वीडियो की क्वालिटी कैसी है। बेसिकली जो वीवो V21e है, ये 4K 30fps के ऊपर वीडियो को रिकॉर्ड करता है फ्रंट और बैक, और यहाँ पे इमेज स्टेबलाइजेशन भी काफ़ी बेटर है, वीडियो स्टेबलाइजेशन भी काफ़ी बेटर है। इन शॉर्ट अगर आप मेरे ओपिनियन के हवाले से बात करते हैं, तो वीवो V21e कैमरा के हवाले से मतलब कि 10/10 नंबर, और ये वाला फ़ोन 10 में से सिर्फ 5 नंबर, तो यहाँ पे आपको काफ़ी हद तक डिफरेंस देखने को मिल जाता है। तो इससे आपको आइडिया भी हो जाएगा कि इन दोनों फ़ोन की ओवरऑल क्वालिटी कैसी है। और इन शॉर्ट अगर हम इस वीडियो को समराइज़ करते हुए कंक्लूजन की तरफ चलें और बात करें मेरे फाइनल ओपिनियन के हवाले से, तो भाई अगर तो आप ऑन एन एवरेज अच्छे यूज़र हैं, लेकिन आपको भी बॉक्स पैक फ़ोन चाहिए, तो तब आपके लिए ये वाला फ़ोन बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि ये वाला फ़ोन अभी लेटेस्ट मार्केट के अंदर लॉन्च किया गया। लेकिन अगर आपको परफॉर्मेंस से मतलब है, आपको कैमरा की क्वालिटी से मतलब है, और आप यूज़ फ़ोन बाय कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली ऐसा होता है कि कुछ लोगों के टेक्निकल मसले होते हैं और उनके माइंड में होता है कि यार कुछ भी हो जाए हमने लेना डब्बा पैक फ़ोन ही है, तो इस चीज़ के हवाले से तो लोगों के मसले मसाइल चलते ही रहेंगे। लेकिन मेरे ओपिनियन के हवाले से बात करें तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा, 50,000 रुपये इस फ़ोन के ऊपर इन्वेस्ट करने से बेटर है कि आप 35-40,000 इस फ़ोन के ऊपर इन्वेस्ट कर दें। तो दोस्तों ये था इन दोनों फोन्स का मुकम्मल रिव्यू, बाकी आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नई वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़ पाकिस्तान जिंदाबाद।